हेलो बच्चों, तो आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस्तेमाल होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो हम लेने जा रहे हैं। देखो, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कई रिएक्शन के बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के अंदर एक खास बात है कि वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाकर खुद को और स्टेबल बना सकता है। सभी इंटरमीडिएट कैसे बनना चाहते हैं? मोस्ट स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन अपने मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा, अपने अंदर कुछ ऐसे रीअरेंजमेंट लाएगा कि वो और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। फिर आगे रिएक्शन में वो पुराना वाला कार्बोकेटाइन काम नहीं करेगा, ये नया वाला चेंज होकर जो बना है वो इस्तेमाल करना होगा। तो जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे और कहीं किसी रिएक्शन के बीच में कार्बोकेटाइन बने, तो कार्बोकेटाइन के केस में एक स्पेशल चीज होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये भी दो तीन तरह से होता है, आज इसमें से हम टॉपिक लेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। तो एक इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आपके बोर्ड में भी, ट्वेल्थ क्लास में भी इसके क्वेश्चंस आपको पूरी केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं। आई रिपीट, पूरी केमिस्ट्री में, जहां जहां कार्बोकेटाइन वहां वहां रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। सो अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन हाथ में निकाल लें, चूहा खाना बंद करें, स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्राइड, मिथाइल एंड फिनाइल शिफ्टिंग इन कार्बोकेटाइन। इनको शॉर्ट में हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो एक खूबसूरत सी हेडिंग लगाएंगे आप, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। सबको पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, कहीं बीच में बनता है और इसकी टेंडेंसी होती है कि ये मोस्ट स्टेबल बनना चाहता है, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन रिएक्शन में बनेगा। अगर रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा कार्बोकेटाइन बनने की, तो वो बनेगा जो मोस्ट स्टेबल हो। शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा, उसकी 1 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। बाकी रेजोनेंस रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होते हैं, सब देखेंगे धीमे धीमे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे टाइप करना होगा कार्बोकेटाइन फिजिक्स वाला, आपको मिल जाएगा लेक्चर। आज बात करेंगे रीअरेंजमेंट की। मान लो किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बना और चांसेस है उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की, तो वो बनेगा अगर वो इन नियम को फॉलो करेगा। तो किस किस तरह से बन सकता है? वो बन सकता है हाइड्राइड शिफ्ट से। किससे? हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड मतलब H माइनस शिफ्ट। दूसरा बन सकता है मिथाइल शिफ्ट से, मिथाइल शिफ्ट, और बेसिकली हम शिफ्ट करेंगे CH3 माइनस। और तीसरा बन सकता है फिनाइल शिफ्टिंग से, फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल क्या होता है? अपना पीएच लिख दे, ये होता है ना फिनाइल, ये तो पीएच माइनस या ये माइनस। ये तीन चीजें शिफ्ट होंगी और शिफ्ट होने का एक कंडीशन है, शिफ्ट होने की कंडीशन है 1.2। क्या कंडीशन है? 1.2। नोट करें, शिफ्ट होने, अभी सब समझ में आएगा, पहले नोट करो, शिफ्ट होने की कंडीशन 1.2, इतनी ही शिफ्टिंग अलाउड होगी। लेक्चर को पूरा देखो, सारी बातें धीमे धीमे समझ में आएगी। नोट कर लें, इतना नोट कर लें, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, पूरा पढ़ाऊंगा कि कब क्या करना है, अगर दोनों में कंपटीशन हो जाए तो क्या करना है, सब समझ में आएगा। चलो देखते हैं कि ये हम बात क्या कर रहे हैं, ये किस बारे में बात हो रही है। आइए देखते हैं, इसको मिटा दूं, 1 2 3 4 5 मिटा रहा हूं। ओके, तो या तो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, या तो मिथाइल शिफ्ट करेंगे, या तो फिनाइल शिफ्ट करेंगे। किस लिए? टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। पहला, मान लो किसी रिएक्शन में यह कार्बोकेटाइन बना CH3CH2CH2+, यह कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। अगर किसी तरह से यह प्लस चार्ज यहां पे आ जाए तो यह ज्यादा स्टेबल हो जाएगा,
क्यों भाई? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, दोनों तरफ सी एस ही है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि बगल बगल में 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट बगल बगल में। कैसे? यहां से H- यहां से H- निकलकर इस पे लग जाएगा, यानी CH3 यहां से H- गया तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और H- यहां जाके जुड़ गया तो CH3। बोलो आया? यहां से यहां 1 से 2, यहां से यहां कौन गया? H-। यहां से H- निकला तो इसके ऊपर प्लस आ गया और H- H जुड़ गया CH3। जरा ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री। ये प्यारे बच्चों लेस स्टेबल कार्बोकेटायन था और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ऐसा हर उस रिएक्शन में होगा जहां जहां कार्बोकेटायन बनेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि कार्बोकेटायन रिएक्शन में बन रहा है पर नहीं बनेगा, तो वहां करना जहां कार्बोकेटायन बनेगा। और फ्री रेडिकल में यह चीज नहीं होती, यह भी याद रखना कि फ्री रेडिकल में उठा के शिफ्टिंग कर रहे हैं। यह हुई हाइड्राइड शिफ्ट। मान लो ऐसा लिखा है CH3 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 CH2 प्लस, मान लो ये कार्बोकेटायन हमें दिया। ये कार्बोकेटायन ध्यान से देखो तो इसके एक ही तरफ कार्बन है, यानी 1 डिग्री है। किसी तरह ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाए, ओए होए 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 क्या बात है, किसी तरह से ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाए। ये कार्बन देख रहे हो, हर तरफ कार्बन से सराउंडेड, बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन, 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, इसके पास मिथाइल है। सो 1.2 मतलब बगल बगल करना है, दूर से नहीं, इसी कार्बन से कुछ निकल के जाएगा। 1.2 मिथाइल शिफ्ट, यहां से CH3, यहां से CH3, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर CH3- जाकर इस पे जुड़ा, CH3 C CH3, नीचे से CH3, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस, CH3- जाकर इससे जुड़ा तो CH2 CH3। जरा ध्यान से देखो, अब जो कार्बोकेटायन बना वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, विच इज मोर स्टेबल। तो शिफ्टिंग तभी कराना भैया, ये 1 डिग्री था लेस स्टेबल, जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा हो या मोर स्टेबल से मोस्ट स्टेबल बन रहा हो। स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए भाई। यहां से CH3- निकल कर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो तभी ये सब करना जब उस तरफ स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। क्लियर है? यहां से अब इसके पास हाइड्रोजन था नहीं, CH3- निकल के उधर गया, लग गया। तीसरा, जैसे मान लो ये दिया है pH फिनाइल CH2+। अच्छा, ये कार्बोकेटायन कैसा है? फिर से 1 डिग्री है। अगर ये प्लस चार्ज किसी तरह से यहां पहुंच जाए तो क्या बात है। सो 1.2 इस बार किसकी शिफ्टिंग करेंगे? फिनाइल शिफ्ट, 1.2 फिनाइल शिफ्ट। यहां से फिनाइल ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, क्या बनेगा? pH C pH, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले गया, और CH2 के ऊपर से प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि pH- आके जुड़ेगा pH। अब ये कार्बोकेटायन देखो 3 डिग्री भी है और बेंजाइलिक भी है। भाई बेंजाइलिक तो आपको याद होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अरे pH का मतलब क्या है? pH का मतलब बेंजीन का रिंग। ध्यान से देखो, ये वाला कार्बोकेटायन मैंने पढ़ाया था, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में से होता है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, यही तो है ना फिनाइल का मतलब। अब ये कार्बोकेटायन में बढ़िया रेजोनेंस चल रहा है, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस पढ़ा है कि नहीं? रेजोनेंस तो पढ़ा होगा, ये बढ़िया, उसके साथ भी कॉन्जुगेशन इसके, तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। दिस इज लेस स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल, या मोस्ट स्टेबल जो कहो, मोर स्टेबल। तो ये तो कहानी की शुरुआत हुई, बड़ा आसान था कि अगर कभी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन सकता है विथ द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, तो बना दो अगर कार्बोकेटायन है तो, और शिफ्टिंग बगल बगल के कार्बन में हो। नोट करें पहले इतना, देखो
केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितना डेटा तुम्हारे पास होगा, जितनी चीजें नोट करोगे उतना फायदा होगा। बोर्ड पे लिखा है, एक बात है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, तीनों चीज समझ में आ गई। यहां इसके पास दो हाइड्रोजन थे, एक एच माइनस शिफ्ट हो गया, ये हो गया सी एच प्लस, वो सी एच थ्री ज्यादा स्टेबल। यहां इसके पास हिस्ट्री सी एच थ्री, यहां से सी एच थ्री माइनस शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर प्लस आ गया 3 डिग्री। यहां इसके पास पीएच पीएच था तो फिनाइल पीएच माइनस शिफ्ट हुआ, वहां जाके लग गया, इसका प्लस चार्ज खत्म और इस पर प्लस आ गया 3 डिग्री भी और बेंजाइलिक भी। अब देखो कहां से प्रॉब्लम शुरू होगी, ये तो बहुत बेसिक बात थी, मिटा दे, मिटा दे, ओके। अब देखो कहानी तो वहां से शुरू होगी बच्चों, कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है, सुबह नहीं है ये या फिर रात होने को है, होने को है। मान लो अपन को ये कार्बोकेटायन मिला, कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री। आप चाहते हो ये प्लस चार्ज इस तरफ आ जाए, थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, खुद को भी रियलाइज हो रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, हमने आपकी बात मानी। प्रॉब्लम क्या है, अब इस कार्बन के पास हाइड्राइड भी है, मिथाइल भी है, तो क्या शिफ्ट करे, यहां से H माइनस निकल के इधर जाए कि यहां से सी एच थ्री माइनस निकल के इधर जाए, डाउट हो गया। जब ऐसा डाउट फंस जाए तो आपको एक ऑर्डर याद रखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी मतलब क्या होता है, माइग्रेशन मतलब होता है मूवमेंट, कहीं से कहीं जाना, तो किसके जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसके माइग्रेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। देखो होना क्या है, होना यह है कि इसको यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर जाके वहां चिपक जाना है, मतलब यहां आकर इलेक्ट्रॉन देना भी है। एक तो माइनस चार्ज सर पे उठा के ला के, सर पे उठा के लाना है और यहां देना है। जो माइनस चार्ज जल्दी दे सके, सी एच टू प्लस को माइनस चार्ज जल्दी दे सके, वो अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लेगा, मतलब वो जल्दी माइग्रेट करेगा। मतलब ऐसे समझो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो, भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तुरंत देगा, जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो जल्दी जाकर इलेक्ट्रॉन को दे देगा, दैट विल हैव मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, या उसका जाने का चांसेस ज्यादा होगा। जैसे इसका ऑर्डर आप लिखोगे तो सबसे पहले H माइनस, भाई हाइड्रोजन का साइज छोटा सा, इलेक्ट्रॉन सर पे आया, रख ही नहीं पाया, तुरंत दे दिया। इसके बाद PH माइनस, PH माइनस, फिनाइल माइनस अनस्टेबल होता है। इसके बाद आता है CH3 माइनस, यानी मिथाइल सबसे बाद में शिफ्ट होता है, हाइड्राइड सबसे पहले शिफ्ट होता है। कैसे पकड़ेंगे आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है, कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो जल्दी जाकर इलेक्ट्रॉन दे देगा, दैट विल माइग्रेट। जैसे हम आपसे सवाल पूछें, CH3 माइनस CH थ्री सी एच टू माइनस सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री माइनस सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री माइनस। अब आप बताइए इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा। अगर मेरे पास ये चार ग्रुप होते जो जा सकते हैं, तो कौन सबसे पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा। देखो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, या जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता ज्यादा हो, ये सी एच थ्री माइनस है, सी एच थ्री सी एच टू, इसके पास प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन देना जाएगा। अच्छा कार्बो एनायन है ये, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मत देखना, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बो केटायन और फ्री रेडिकल में, तो भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे देगा, इस पे भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत देना चाहेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन तुरंत देना चाहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये देगा ये देगा, यानी ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करना चाहेगा। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। देखो ये क्या है, ये है अपना 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री और ये है अपना मिथाइल। यानी इसी ऑर्डर को अगर मैं और एक्सपैंड करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं हाइड्राइड शिफ्ट
उसके बाद फिनाइल शिफ्ट, उसके बाद पहले कौन आएगा, 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री अल्काइल और फिर मिथाइल शिफ्ट। समझ में आ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता ज़्यादा है, जो नेगेटिव चार्ज अपने पास नहीं रख पा रहा है, वो जाके नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर देगा। क्लियर है? तो ये ऑर्डर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या जो बोलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, ठीक है। अब 100% केस में ये फॉलो होगा ये मैं नहीं कह रहा, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस। नोट करें, प्राइमरी आपका मकसद क्या है मत भूलना, प्राइमरी मकसद इस पूरे काम का है टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। वो अचीव करने के लिए ये किया है, ठीक है, ये मेन मकसद नहीं, मेन मकसद ये है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। नोट करें, मिटा दें, 1 2 3 4 5 मिटा रहा हूं, लिख लिया है पक्का, ओके। जैसे इसी में एक क्वेश्चन और देख लो, मान लो हमसे पूछा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, 3 ग्रुप आपको मैं दे रहा हूं, आप बताना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस ग्रुप का ज्यादा है। मान लो ये 3 दे दिए, हमसे कहा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, ए बी सी को अरेंज करें, तो ए में तो कोई इफेक्ट नहीं है, बी में आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी प्लस एम इफेक्ट है, आप इसको देखो तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस एम इफेक्ट होता है रेजोनेंस से, एनओ टू का पता होगा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है, मतलब ये वाली जो रिंग है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगी, तो सबसे पहले बी उसके बाद ए उसके बाद सी, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता ना, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी कि सी एच टू प्लस को जाके इलेक्ट्रॉन दे दें, जैसे मान लो यहां ये ग्रुप लगा होता यहां ये ग्रुप लगा होता तो कौन माइग्रेट करता। क्लियर हो रहा है? बाकी ऑर्डर ऑफ प्लस एम माइनस एम वो सब आपको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको ये सीखना है कि कैसे पता चला कौन, तो आपको यूट्यूब पे टाइप करना है मेसोमेरिक इफेक्ट फिजिक्स वाला, आपको उसका एक लेक्चर बहुत प्यारा सा मिल जाएगा। क्लियर है? मिटा दें, ओके। इतनी नॉलेज के साथ अब हम आते हैं इस सवाल पर, आप बताओ यहां पे कौन शिफ्ट होगा, हाइड्राइड होगा कि मिथाइल, हाइड्राइड होगा, तो यहां से H माइनस निकलेगा, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट आप करोगे, CH3 C पे आ जाएगा प्लस क्योंकि H माइनस गया, H माइनस जाके CH2 से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, CH2 से H माइनस जुड़ा CH3, ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री डेफिनेटली दैट कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। देखो ये भी है कि शिफ्टिंग विफ्टिंग करने के बाद स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, घट रही है तो कोई मतलब नहीं है करने का, ये नहीं जबरदस्ती कर देंगे, जब स्टेबिलिटी बढ़े तभी करना, देखो बढ़ रही है। क्लियर है? क्लियर है? पक्के से क्लियर है? अच्छा एक जरा ये करके देखो, एक और कर लो, फिर एक नई चीज बताता हूं। मान लो ये ग्रुप दिया है ये, आप बताओ इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी कि नहीं, बताओ बताओ ये कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री, अगर ये प्लस चार्ज यहां पहुंच जाए तो ये 3 डिग्री बन सकता है, क्या यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल, यानी इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप भी है, कौन मूव करेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी ना, तो यहां से H माइनस निकलेगा, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हाँ 1.2 हाइड्रेट यहां से यहां जाएगा, यहां पे H आया और प्लस चार्ज यहां आया, ध्यान से देखो कैसा कार्बोकेटायन हो गया, 3 डिग्री, इट विल बी मोर स्टेबल। हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते थे या मिथाइल शिफ्ट कर सकते, बगल बगल से ही शिफ्टिंग करो और स्टेबिलिटी पाने के लिए शिफ्टिंग करो, ये नहीं कि उलूल जुलूल कर दी, स्टेबिलिटी पाने के लिए शिफ्टिंग होगी। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दें, मिटा दें, ओके। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड शिफ्टिंग की,
एक्सटेंडेड शिफ्टिंग की बात करते हैं, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग की। देखो अब धीमे धीमे लेवल बढ़ाते हैं, अभी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। अब एक्सटेंडेड शिफ्टिंग क्या मतलब है साहब इसका, और एक एग्जांपल समझते हैं। एक्सटेंडेड शिफ्टिंग CH3CH CH3CH2CH2+। मान लो किसी रिएक्शन के बीच में ये कार्बोकेटायन बन के आ गया, एडिशन रिएक्शन में मिलेगा, ये सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में मिलेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बहुत रिएक्शन मिलेगा, मान लो ये बन के आ गया, क्या इसी से आगे रिएक्शन कंटिन्यू करना है? नहीं, शिफ्टिंग करेंगे। ये कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री बगल वाले पे हो सकता है कि सीधा इस पे हो सकता है। क्या कहा था, सिर्फ बगल में 1.2, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है दोनों, हाइड्राइड शिफ्ट। चलो भाई करा लिया हमने CH3CH CH3, ये तो एज इट इज लिख दिया, बोलो सही है CH3CH CH3। इस पे आओ, यहां से H माइनस चला गया, यहां से H माइनस चला गया, तो ये बचेगा CH प्लस, और H माइनस यहां जुड़ेगा तो CH3। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, ये 1 डिग्री था वो 2 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल। चलो भाई बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा जान के। अब सोचो क्या यहां पर आगे और शिफ्टिंग होनी चाहिए, अगर ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो क्या एक्सटेंडेड शिफ्टिंग करनी है कि नहीं? आंसर है करनी है, तब तक जब तक हर स्टेप में स्टेबिलिटी मिले। कब तक, जब व्हेन वी गेट मोर स्टेबिलिटी, ध्यान से, इन ईच स्टेप। ऐसा नहीं कि इस स्टेप में मोर स्टेबिलिटी थी, पहले में लेस थी, तो ये नहीं कि चलो ठीक है थोड़ी देर नुकसान झेल लेते हैं आगे आके फायदा होगा, नहीं, हर स्टेप में फायदा हो तभी करना है। जैसे यहां तो फायदा दिख ही रहा होगा आपको, यहां से यहां क्या शिफ्ट करोगे, हाइड्रोजन भी है CH3 भी है, हाइड्राइड की मिथाइल हाइड्राइड करेंगे, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहां से यहां हाइड्राइड गया CH3 CH3, इसके ऊपर आ गया प्लस, H माइनस जाएगा यहां पे लग जाएगा CH2 CH3। कैसा कार्बोकेटायन बना, 3 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री। मान लो ऐसा होता कि 2 से 1 और फिर 1 से 3 बनने का चांस होता, 2 से 1 फिर 1 से 3 बनने का चांस होता, तो नहीं करते। किसी भी स्टेप में अगर नुकसान दिख रहा है तो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग नहीं होगी। क्लियर है, हर स्टेप में मोर स्टेबल बने तभी एक्सटेंडेड शिफ्टिंग करनी है। चलिए एक सवाल मैं आपको दूं, अब करेंगे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग का, मिटा दूं इसको, 1 2 3 4 5। कई बच्चों ने हमसे बोला कि सर आप मिटाने का समय नहीं दे रहे हो आजकल। बच्चों तुम वीडियो को पॉज भी तो कर सकते हो और पीछे भी जा सकते हो। नहीं सर, इतनी जहमत कौन उठाए सर जीवन में। अगला सवाल, CH3CH CH3CH2CH2+। चलो फाइनल कार्बोकेटायन बनाओ जो मोस्ट स्टेबल होगा। चलो ट्राई करो अपने आप, पॉज करके खुद को 1 2 मिनट 3 मिनट दो और इसको खुद से सॉल्व करो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। हो गया। चलिए भाई, पहले प्लस चार्ज यहां आएगा, यहां पे एच जाएगा, 1.2 H- शिफ्ट, रफ्तार पकड़ ले हम, ओके 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या होगा बोलो CH3CH, यहां पे फिनाइल लिख दें, PH फिनाइल CH CH3 एज इट इज, यहां से H माइनस यहां गया तो ये CH प्लस और ये CH3। अब आगे शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, प्लस यहां पे आएगा और यहां से कौन इधर जाएगा, हाइड्राइड जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन भी है मिथाइल भी है, तो यहां से यहां हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिर से 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी एच थ्री सी एच टीम 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 फिनाइल सी। अच्छा यहाँ से कौन गया H माइनस गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस और H माइनस गया तो सी एच टू सी एच थ्री। यहाँ से H माइनस इस पर गया तो सी एच टू और वो सी एच थ्री उसके ऊपर प्लस। अच्छा कुछ फ़ायदा हुआ क्या? अच्छा यहाँ पे सी एच थ्री भी लगा है। ये देखो यहाँ से H माइनस इधर गया सी सी एच थ्री सी एच सी एच बाकी सब सही। देखो पहला कार्बोकेटाइन ध्यान से 1 डिग्री, दूसरा कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, तीसरा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, यानी हर स्टेप में स्टेबिलिटी मिली। ध्यान से यहाँ से प्लस यहाँ गया H माइनस इधर गया 2 डिग्री बना, फिर यहाँ से प्लस यहाँ गया H माइनस इधर गया 3 डिग्री बना। क्या अब प्लस यहाँ जाना चाहेगा? कोई फायदा है? बिल्कुल है, क्योंकि प्लस यहाँ आएगा तो 3 डिग्री भी होगा, साथ में बेंजाइलिक भी होगा। बेंजाइलिक में क्या मिलता है? रेजोनेंस मिलता है कार्बोकेटाइन। आपको याद होगा ना ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अच्छा ये 3 डिग्री से कम होता है, सही सच बता रहे, कुछ गलत नहीं बता रहे, ये 3 डिग्री से कम होता है। पर यहां पे जब प्लस इधर आएगा तो ये 3 डिग्री भी होगा, बेंजाइलिक भी होगा, तो कर दो, क्या दिक्कत है। फिर से यहां क्या शिफ्ट करोगे? एच की फिनाइल, एच की फिनाइल पहले कौन शिफ्ट होता है? एच। तो एच माइनस यहां गया 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट, देख रहे हो चलती चली जा रही हाइड्राइड शिफ्ट, एक बार दो बार तीन बार। CH3 देखो इस कार्बन के पास तीनों ग्रुप थे, मिथाइल भी था, हाइड्राइड भी था, फिनाइल भी था, पर ऑर्डर क्या है? पहले हाइड्राइड। तो यहां से H माइनस इस पे जाएगा, H माइनस गया तो इसके ऊपर प्लस आया, नीचे फिनाइल लगाया, फिर इसके ऊपर गया H माइनस, H माइनस निकल के यहां जाएगा, इसका प्लस खत्म, CH आगे CH2 और CH3 और CH3। बोलो सही बना है? H माइनस यहां गया CH CH3 CH2 पूरा डायग्राम सही बना है। अच्छा अब ये जो कार्बोकेटाइन बना ये 3 डिग्री भी है और ये बेंजाइलिक भी है, मतलब इसको 3 डिग्री से भी स्टेबिलिटी मिलेगी और रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी मिलेगी और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी मिलेगी। बोलो समझ में आ रहा? ये मोस्ट स्टेबल है। तो हम एक्सटेंडेड शिफ्टिंग कर सकते हैं प्रोवाइडेड हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़े। देखो हर में बढ़ी, 1 से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 3 डिग्री प्लस, ये बड़ा गंदा लिखा है सर, छी 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 से छी, 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, सुंदर सा लिखता हूं 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस। क्लियर है? यहां से यहां आया H माइनस यहां गया प्लस, फिर यहां से आया H माइनस यहां गया प्लस, फिर यहां से आया H माइनस यहां गया प्लस, और हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही। क्लियर है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग का कंसेप्ट? अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेटरी ऑर्डर इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। ज्यादा प्रायोरिटी बड़ी क्या है? स्टेबिलिटी। मिटा दें इसको, मिटा दें। ओके ओके, डिपेंड भी करता है कई बार, पता है रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। बड़ा ही बढ़िया कंसेप्ट है, समझो समझाते हैं। एक खूबसूरत सवाल अब लेना स्टार्ट करते हैं, ले एक दो कुछ अच्छे सवाल ले लेते हैं, दो तीन, तो एक दो और मिलते हैं तो और देखते हो सोचते हैं। पहला क्वेश्चन अब अच्छे सवाल लेने जा रहा हूं, तैयार हो जाए आप। CH3 फिनाइल CH2 प्लस। चलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए, आप अपनी तरफ से बनाइए, पहले पॉज करके वीडियो को खुद से बनाएंगे कार्बोकेटाइन को, पॉज करके वीडियो को, अरे कार्बोकेटाइन ब्यूटीफुल कर गया चल। चलो भाई, इस कार्बन पास मिथाइल है और फिनाइल है, तो क्या शिफ्ट होता है? पहले हाइड्राइड फिर फिनाइल। चलो 1.2 फिनाइल पीएच माइनस शिफ्टिंग, इसी को पीएच माइनस बोलते हैं ना इसको। चलो फिनाइल शिफ्ट करेंगे हम, CH3 सी ऊपर भी CH3 लगा है, फिनाइल यहां से गया तो इस पे प्लस आया, पीएच माइनस जाके यहां पे लगा तो CH2 और ट्यू 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 ये बना। चलो भाई ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो डेफिनेटली ये इससे ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। चलो भाई सही बात है, आपने माइग्रेटरी ऑर्डर भी फॉलो किया,
हमारे पास मिथाइल ग्रुप थे, हमारे पास फिनाइल थे, तो पहले H माइनस फिर पी एच माइनस, तो पी एच माइनस को हमने शिफ्ट करके लगा दी। बहुत बढ़िया। मान लो हम मिथाइल शिफ्टिंग कर देते हैं, माइग्रेटरी ऑर्डर को हम इग्नोर मार के मिथाइल शिफ्टिंग कर देते हैं, 1.2 CH3 माइनस शिफ्ट। मान लो हम मिथाइल शिफ्टिंग कर दें, CH3 C, यहां से मिथाइल गया CH माइनस, यहां से CH3 माइनस गया, इसके ऊपर आ गया प्लस CH2 CH3। अब जो कार्बो, देखो यहां से CH3 माइनस गया, इस पे लगा और इस पे प्लस आया। अब जो कार्बोकेटायन बना ये भी 3 डिग्री है और साथ में ये बेंजाइलिक भी है, मतलब फिनाइल की रिंग जुड़ी है, मतलब यहां मस्त रेजोनेंस भी होगा। क्या बात है सर, बोलो। अब यहां ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस भी कर रहा और ये बेंजाइलिक भी है, अब बताओ वो बनेगा कि, ये बड़ा बढ़िया सवाल है केमिस्ट्री का कि ये बनेगा या वो बनेगा। माइग्रेटरी ऑर्डर को फॉलो करें, माइग्रेटरी ऑर्डर को फॉलो करें तो वो बनना चाहिए, रेजोनेंस को फॉलो करें मोस्ट स्टेबल को तो ये, मतलब दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन जो यहां पे बन सकता था, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और ये हमारा अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी के हिसाब से तो अब ये फेल हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं मोर मतलब माइग्रेटरी पावर की वजह से जीत रहा है, सो माइग्रेटरी पावर इसकी ज्यादा है और स्टेबिलिटी पावर इसकी ज्यादा है, प्रॉब्लम यही है, ठीक है। इसकी पावर स्टेबिलिटी में ज्यादा है, कुछ भी लिख दो स्टेबिलिटी में ज्यादा है, और माइग्रेटरी ऑर्डर की वजह से वो बनना चाहिए। यानी अगर हम पूछे कौन सा जल्दी बनेगा तो जल्दी कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा तेजी से, फिनाइल, मतलब ये जल्दी बनेगा, ठीक है, ये वाला फास्ट होगा, ठीक है, मतलब काइनेटिकली, काइनेटिक होती है रिएक्शन की स्पीड, यानी काइनेटिकली ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, काइनेटिकली ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, KCP, काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, KCP, काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब स्पीड के हिसाब से उसको पहले बनना चाहिए, क्योंकि फिनाइल ग्रुप जल्दी जाके जुड़ जाएगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, जाके तुरंत माइनस दे देगा, पर स्टेबल ये ज्यादा है, यानी ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, तो ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसको बनना चाहिए। देखो किसी भी रिएक्शन की दो तरह की मैकेनिज्म होती है, एक होती है उसकी काइनेटिक्स की मैकेनिज्म, एक होती है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है ये बने, इसको हम बोलते हैं TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, बड़ा कंफ्यूजन है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, कौन कब डोमिनेट करता है, कौन कब डोमिनेट, देखो ऐसे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है अलग अलग रिएक्शन पे, ऐसे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है अलग अलग रिएक्शन पे। अगर किसी रिएक्शन में हम आपको बोल देंगे जब हम आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ये स्टेप ही रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इफ दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग, ये सब आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, स्टेप मतलब RDS, अगर ये स्टेप RDS है, इसी से पूरे रिएक्शन की स्पीड डिसाइड हो रही है, तब आप इसी को बनाओगे। इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज डिटरमाइनिंग स्टेप, चलो इसको हम बोल देते हैं, ये प्रोडक्ट का नाम बोल देते हैं A, इस प्रोडक्ट का नाम बोल देते हैं B, तो अगर ऐसा होता है तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो A होगा, और ऐसा बहुत कम होगा केमिस्ट्री में, ये भी सुन लो, ऐसा केमिस्ट्री में बहुत कम होगा, कुछ कुछ जगह होगा, हम बताएंगे और एक स्पेशल केस तो आज ही कराएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोडक्ट ये बनेगा, मतलब मोस्ट ऑफ केस में दिस स्टेप इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग, है ना, इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देन योर आंसर विल बी बी। समझो रेट डिटरमाइनिंग मतलब सारे रिएक्शन की स्पीड यहीं से डिसाइड हो रही है, और ये स्टेप जल्दी हो रहा है एज कंपेयर टू दिस,
तब काइनेटिक्स के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से हम डिसाइड कर देंगे कि भाई फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, जल्दी चला जाएगा, ये भी ठीक ठाक स्टेबल है, तो साहब यही प्रोडक्ट है मान लो। पर अगर ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है रिएक्शन का, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा, तब आंसर आप दोगे टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, दैट इज द मोस्ट स्टेबल। मैंने बोला ना ये पूरी अरेंजमेंट, पूरी शिफ्टिंग किस लिए हो रही है, सारी कायनात किस चीज के लिए मेहनत कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये बनाओगे। सर कैसे कब क्या बनाएंगे, हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे, रिएक्शन बताएगा आपको, हम आपको ये चीज समझाते चलेंगे। क्लियर है मोस्ट ऑफ द, अगर कोई कुछ नहीं बताया तो इसको बना के चले जाना है। अगर कुछ नहीं कहता, अगर मान लो रिएक्शन क्या देता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज द आरडीएस, मान लो उस रिएक्शन में लिख दिया है इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज आरडीएस, तो समझ जाना कि वहां पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करना है, स्टेबिलिटी को फॉलो नहीं करना है। इफ रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन इज आरडीएस फॉलो। एक और केस होगा, पहले नोट कर लो फिर और बताते हैं। एक जगह और ए बनेगा, मोस्ट ऑफ द केस में बी बनेगा स्टेबिलिटी वाला, एक जगह और ए बनेगा। कैसे? अगर ए को सपोर्ट करता हुआ एक और कोई फैक्टर आ जाए, मतलब इसको सपोर्ट करता हुआ कोई एक और फैक्टर आ जाए, तो काम बन जाएगा। दिखाते हैं, ये जल्दी हो रहा है, ये याद रखो, ये पहले होगा उसके बाद ये होगा, पहले ये बन जाएगा फिर इधर से ये बन रहा होगा। ये ज्यादा स्टेबल है तो पूरी रिएक्शन को अपनी तरफ खींच लेगा, पर टाइम लगेगा इसमें। यानी इसको अगर सपोर्ट करता हुआ एक फैक्टर और आ जाएगा तो ये तुरंत जीतेगा। बताते हैं, यहां तक नोट कर लिया पहले, जनरली आप ये बना के चले जाओगे। अगर लिख दिया रेट डिटरमाइनिंग सिस्टम इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन से ही पूरे रिएक्शन की स्पीड डिसाइड हो रही है, ये वाला रिएक्शन ज्यादा स्पीड में होगा, इसकी मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा, तब आंसर इसको लिखोगे। मिटा रहे हैं? ओके। एक और केस में आंसर ए वाला होगा, एक तो आरडीएस की बात हो गई, वो भी आरडीएस की ही कहानी है। इफ रीअरेंजमेंट ऑफ आरडीएस जो कि होता है बैक बॉन्डिंग के केस में, कोई नया केस नहीं है, जब बैक बॉन्डिंग होती है तो अपने आप ये स्टेप आरडीएस बन जाता है। बैक बॉन्डिंग इतनी डोमिनेटिंग कैरेक्टर है कि अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो अपने आप ये स्टेप क्या बन जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझो बात को, मान लो सेम चीज बनाऊंगा, मान लो यहां पर हम लिख दें CH3COCH3, इसको आराम से समझना, ना हो तो रिपीट करके देखना, 100% सही चीज बताएंगे, टेंशन मत लो। CH2+ मान लिया दिया। अब क्या शिफ्ट करोगे, देखो OCH3 जितने लोग सोच रहे हैं शिफ्ट होगा, वो कभी शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, अपने दिल से ये बात निकाल दो। क्यों नहीं होगा सर, देखो अगर O के ऊपर माइनस आया भी तो मैंने कितनी बार बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल होता है, तो वो जल्दी किसी को देना नहीं चाहेगा। मैंने कई बार बताया ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज वेरी स्टेबल, तो अगर तुम सोच भी रहे हो कि OCH3 को जाके इस पे लगाएंगे तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि एक स्टेबल स्पीशी है, इसको अपना माइनस चार्ज देने की बहुत जल्दबाजी नहीं होगा, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इतना अच्छा नहीं होगा। देखो इसका अच्छा होगा, ध्यान से, ऐसे लिखा है तब इसका अच्छा होगा, ये इधर डोनेट करेगा फिनाइल की वजह से, ध्यान समझो। तो कई लोग कहते हैं OCH3 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया होता है, ये बड़ा सब डिबेटेबल टॉपिक है, अगर आप अच्छे से पढ़ो तो बहुत, खैर इतनी डेप्थ में आप जाते नहीं हो, पर ध्यान से देखो यहां पे इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा होगा क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ाएगा। पर एज सच OCH3 अपने आप में कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं रखता क्योंकि ओ पे ही माइनस आना है, यानी कॉम्पिटिशन फिर से मिथाइल और फिनाइल में है। तो हम फॉलो करते हैं माइग्रेशन वाली कहानी को और 1-2 फिनाइल शिफ्टिंग कर देते हैं, 1-2 फिनाइल शिफ्टिंग कर देते हैं। सुनना ध्यान से, CH3 CO CH3 O CH3 और CH2, और इससे लग गया फिनाइल, ठीक है, और यहां आ गया प्लस। अब देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, कार्बन के पास प्लस, प्लस का मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, मैंने बताया ना कार्बोकेटाइन में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है। अच्छा कार्बोकेटाइन को कमी किसकी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। कार्बोकेटायन को अगर आपको याद हो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बोकेटायन के पास, है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, ये ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा, या इसको आप बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट खेल रहा है। अच्छा बैक बॉन्डिंग एक काफी भारी कंसेप्ट है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, पार्शियल शेयरिंग है वैसे, बट किसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है ये बताते हैं। नॉर्मल बॉन्ड से तो वीक है, अब इसको तुम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो वीक है, दिखाते हैं पर कहां पे एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बन जाएगा। सुनो ध्यान से, बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबल हुआ, पहली चीज तो ये 3 डिग्री है,
है ना। दूसरी चीज ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी पा रहा है, और तीसरी चीज ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट भी है। मतलब अगर माइग्रेटरी पावर को चेक करो तो माइग्रेटरी पावर के हिसाब से यही बनना चाहिए। अच्छा मान लो हम स्टेबिलिटी ढूंढने स्टार्ट करें, हम बोले 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं, 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो यहां से मिथाइल गया COCH3 फिनाइल, इसके ऊपर आ गया प्लस CH2CH3। अब देखो ये भी एकदम वही चीज है, इसमें फायदा क्या मिल रहा है, इसमें 3 डिग्री भी है, इसमें बेंजाइलिक भी है और इसमें बैक बॉन्डिंग भी है। चलो भाई हम तुम्हारी बात मानते हैं, यहां भी बैक बॉन्डिंग है, कोई बैक बॉन्डिंग में कोई कमी तो है नहीं सर। ये लो यहां बैक बॉन्डिंग भी है, 3 डिग्री भी है, बेंजाइलिक भी है ना। पर जैसे ही बैक बॉन्डिंग आती है पहले तो ये बनेगा भाई, तुरंत तो ये बनेगा, काइनेटिकली स्पीड इसकी ज्यादा है। जैसे ही ये बनेगा इसके बनने का आप चांस ही नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग इज वेरी स्टेबल। अब आप बोलोगे सर क्यों, यहां भी तो बैक बॉन्डिंग है और साथ में बेंजाइलिक का मतलब रेजोनेंस भी है। अब समझो, अब मैं क्यों कह रहा था बैक बॉन्डिंग एक स्टेबल चीज है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कंपेरिजन में वीक है, पार्शियल ओवरलैपिंग है, पर यहां पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है जो स्टेबिलिटी दे रहा है, रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस की मतलब इसके सामने वैल्यू ही क्या है, 1%, और बैक बॉन्डिंग की वैल्यू 99%। यानी रेजोनेंस के होने ना होने से कोई खास अब कंपाउंड को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां पे रेजोनेंस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बैक बॉन्डिंग से 99% स्टेबल है, पहले बन चुका है, तो अब यहां तक आने की कोई जरूरत, मतलब रिएक्शन इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि चलो हम इस कहां गया कि चलो हम चलो CH3- को शिफ्ट करें, जबकि CH3- शिफ्ट होना नहीं चाहता, शिफ्ट कौन होना चाहता है, फिनाइल माइनस। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो इसलिए या सिंपल ऐसे समझ लो तुम, जहां पे बैक बॉन्डिंग होगी वहां पे, जहां पे बैक बॉन्डिंग होगी, जहां पे बैक बॉन्डिंग होगी वहां पे, वहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है। जहां पे बैक बॉन्डिंग होगी वहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, अपने आप ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग, क्यों, जैसे ही ये हुआ वैसे ही बैक बॉन्डिंग एक बड़ा क्रूशियल स्टेप था। रेजोनेंस जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बैक बॉन्डिंग के सामने कोई खास स्टैंड नहीं करती। तो तुम इतना समझो कि अब देखो शॉर्ट में समझो तुम्हें करना क्या है करना क्या है, तुम्हें एकदम सही पढ़ाया है, तुम्हें बनाना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन 99% केस में। अगर कहीं बैक बॉन्डिंग दिख जाती है तो तुम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को प्रेफरेंस दोगे मोस्ट स्टेबल के ऊपर, या कभी लिख देता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, तब तुम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को प्रेफरेंस दोगे मोस्ट स्टेबल के ऊपर। अब मेरी बात और सुनो, इतना छाप लो फिर बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सुनी लो कि 99% केस में, 99% केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से जो बनता है वही मोस्ट स्टेबल होता है। ये तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हमने बनाया ना, 99% केस में ऐसा होता है कि जो मोस्ट स्टेबल बनता है वही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से बनता है। क्लियर है यहां तक? मिटा दें इसको, मिटा दें, 1, 2, 3, 4, 5 मिटा रहे हैं? ओके चलो अब कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट ना खराब हो। भूल ही गए सर, हम तो इसी में फंस गए, आई हाय सर कितना बढ़िया कंसेप्ट था। तो प्रैक्टिस के लिए आप जरा एक सवाल करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट रीविजिट हो जाएगा, जिससे आपका कंसेप्ट रीविजिट, अरे यार अच्छा ही सवाल कराऊंगा, पुराना नहीं, वीडियो को फिर से देख लेना अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो देखो 99% केस में क्या होगा कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से मोस्ट स्टेबल होगा वही रेजोनेंस से भी मोस्ट स्टेबल होगा। कभी कभी ऐसा होगा दोनों में डाउट, डाउट हो तो रेजोनेंस वाले को प्रेफरेंस देना ही देना है, एक्सेप्ट लिखा ना हो या बैक बॉन्डिंग ना हो रही हो, बैक बॉन्डिंग हो रही है तब माइग्रेटरी को। मान लो ये कार्बोकेटाइन अपने को बना के दिया है, बताओ कुछ शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी सोच के। चलो एक नया सवाल, भूल जाओ छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की कहानी। देखो ये 2 डिग्री है, अगर ये प्लस चार्ज किसी तरह से यहां पहुंच जाए तो फायदा होगा। देखो बता रहे फायदा कैसे होगा, आप भी समझ गए सर, हम भी समझ गए सर, रेजोनेंस दिखने लगा हमें, कॉन्जुकेशन। अगर ये प्लस चार्ज यहां जाए, यहां से हाइड्राइड यहां जाए, 1, 2 H- शिफ्ट कराओ, तो देखो है तो ये भी 2 डिग्री, पर ध्यान से देखो इस 2 डिग्री के साथ ये बेंजाइलिक हो गया, मतलब इसको साथ में इसका रेजोनेंस मिल रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज।
तो ये 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो दिस इज मोर स्टेबल। ऐसा ही थोड़ी ना कहा है कि सिर्फ 2 डिग्री बनाओ या 3 डिग्री बनाओ, ये भी 2 डिग्री वो भी 2 डिग्री, बट दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल। मैं एक काम करता हूँ इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें मैं CH3 CH2 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 CH3 ऐसे कर लेते हैं। चलो और मान लो हमें लिख के दे रहा है ये। अब पहले तो सोचो क्या इसमें करने की जरूरत है शिफ्टिंग की, नहीं, अपने को ये दिया है, और क्या शिफ्ट करके कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। यहां पे प्लस है, सोचो सोचो कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। अगर मैं इस प्लस को यहां ले जाऊं और H माइनस को यहां लाऊं तो बनेगा CH3 CH2, और H माइनस को मैं यहां ले आया CH2 CH CH3 प्लस। बोलो यही चांसेस है, इस तरफ ले जाओ या इस तरफ, यही तो एक चांस है। प्लस यहां जाएगा, H माइनस यहां आया, क्या किया 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट। पहले सोचो करना है कि नहीं। अब जो कार्बोकेटायन बना वो भी 2 डिग्री, जो पहले बना था वो भी 2 डिग्री है। अच्छा अब एक बात सुनो, अब देखो दो इफेक्ट का खेल है यहां पे भी, मैं मान रहा हूं इधर से लग रहा है इसमें प्लस आई, इधर से लग रहा है इसमें प्लस आई, दोनों तरफ से C2H5 ग्रुप इसको प्लस आई दे रहे हैं। यहां पे देखो इस तरफ से एक लंबा ग्रुप है C3H7 दे रहा है इसको प्लस आई, और इधर से सिर्फ CH3 दे रहा है प्लस आई, तो इसका प्लस आई इसके प्लस आई से कम है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप दूर हो गया। पर इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर जो इफेक्ट है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास किसने अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 2 4 चार अल्फा हाइड्रोजन, बगल वाले हाइड्रोजन को अल्फा बोलते हैं। अच्छा कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड होती है। इसके पास इस तरफ 3 अल्फा, इस तरफ 2 अल्फा, 5 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग ऑन इंडक्टिव, सो दैट इज मोर स्टेबल, यानी यहां शिफ्टिंग होगी। ये बड़ा प्यारा सवाल बनता है, ऐसे लिखा होता है किताबों में कि इसकी शिफ्टिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे साहब, इसकी शिफ्टिंग करा के यहां बना देंगे। 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 2 4 4 अल्फा हाइड्रोजन, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट। ऐसा ही एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, नोट कर लें इसको, लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आज का हम, नोट कर लें, मिटा दें, ओके। द लास्ट क्वेश्चन इज, देखना ध्यान से, क्या यहां पे कोई शिफ्टिंग होगी, कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, यहां पहुंच के भी 2 डिग्री रहेगा, इस तरफ तो जाने की बात भी मत करना। अब आप कहोगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो गया, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं शिफ्ट कर दूं, सुनना, अगर मैं प्लस यहां शिफ्ट कर दूं, यहां से इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 इधर होंगे, 2 यहां होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां इस तरफ कितना होगा, 1, इस तरफ कितना, 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है भाई, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होगा, इस पे 2 3, और इस तरफ इस पे 3, इस पे 2 5, तो ये ज्यादा स्टेबल तो नहीं करना चाहिए। पर अगर आपको याद हो कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होते थे, जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने पढ़ाई थी, नहीं भरोसा है तो इंटरनेट पर सर्च कर लो, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट। इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा कि इसमें ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल आ जाए, डाइसाइक्लोप्रोपाइल आ जाए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तो डेफिनेटली यहां पे 1.2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा। समझ गए, तो कहानी 1 डिग्री 2 डिग्री की नहीं है, कहानी हाइपर कॉन्जुगेशन की नहीं है, कहानी इंडक्टिव इफेक्ट की नहीं है, कहानी है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन आने की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, ये बेंजाइलिक वाले से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ट्राई बेंजाइलिक से भी ज्यादा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका हम यूज करेंगे आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।